दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज तक ट्रेन में सफर ना किया हो। ट्रेन में सफर करने का अपना ही एक अलग मजा होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में तीसरे नंबर पर आता है, जो पूरे भारत में 126,511 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इंडिया में हर रोज 1,00,000 पैसेंजर ट्रेन दौड़ाई जाती है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग परिवहन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर रोज 33,00,000 टन मालगाड़ी के जरिए भारत की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित इंडियन रेलवे में 12,00,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कहां से हुई थी, या फिर वो कौन सी ट्रेन थी जिसे भारत में पहली बार चलाया गया था? अगर नहीं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम भारतीय रेलवे और उसके इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत की सबसे पहली ट्रेन। दोस्तों भारत की सबसे पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो साल 1837 में मद्रास के रेड हिल से चित्तांद्री पेट ब्रिज तक 25 किलोमीटर के लिए चली थी। इस ट्रेन का निर्माण आर्थर कॉटन द्वारा किया गया था, जिसे विलियम एवरी द्वारा निर्मित एक रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। दोस्तों रेड हिल रेलवे पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक मालगाड़ी थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। मतलब भारत की सबसे पहली ट्रेन एक मालगाड़ी थी। अब बात करते हैं भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन की। भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, जिसमें 400 लोगों ने यात्रा की थी। ये ट्रेन लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा समर्पित की गई थी। दोस्तों इस ट्रेन को 3 स्टीम इंजन साहिब सिंध और सुल्तान द्वारा चलाया गया था। नंबर 2, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन। दोस्तों मुंबई का बोरी बंदर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन से भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। इस रेलवे स्टेशन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को बाद में साल 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में रीबिल्ट किया गया था, जिसका नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम से रखा गया था। नंबर 3, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। दोस्तों न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन नंबर 18 भी कहा जाता है, वो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन जिस ट्रैक पर ये चलती है वो ट्रैक इतनी स्पीड को झेलने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए इस ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। ये ट्रेन तकरीबन 800 किलोमीटर का फासला सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में तय करती है। आप में से कौन कौन इस ट्रेन में बैठ चुका है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, भारत की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन। दोस्तों हमने इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के बारे में तो जान लिया, तो अब हम इंडिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी हिल पर मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी ट्रेन भारत की सबसे धीमी ट्रेन है, जो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है। ये ट्रेन 46 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 घंटे में तय करती है, ताकि लोग वहां के सुंदर दृश्यों का लुत्फ मन भर के उठा सके। नंबर 5, सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन। दोस्तों आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबा रूट तय करने वाली ट्रेन है। ये दूरी तय करने के लिए विवेक एक्सप्रेस को लगभग 82 घंटे लगते हैं। सफर के दौरान ये ट्रेन 57 स्टेशनों पर रुकती है। ये रूट न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लंबा है। नंबर 6, भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन। दोस्तों अगर हम भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन की बात करें, तो वो महाराजा एक्सप्रेस है। भारत के साथ साथ ये ट्रेन एशिया की सबसे महंगी ट्रेनों में भी शुमार है। ये ट्रेन एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है, जो 8 दिनों की टूर के दौरान अपने मेहमानों को ताजमहल, खजुराहो मंदिर, फतेहपुर सिकरी और वाराणसी के स्नान घाटों के साथ साथ भारत के सबसे प्रमुख टूरिस्ट प्लेस पर ले जाती है। दोस्तों इस ट्रेन में सफर करने के लिए केबिन की टिकट पर पर्सन $800 से $2,500 यानी कि 60,000 से 1,80,000 तक होती है। इसे लग्जरी ट्रेन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दोस्तों क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन
साल 2023 में शुरू की जाएगी। ये ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। दोस्तों इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो अहमदाबाद से मुंबई का 508 किलोमीटर का रूट सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी। नंबर 8, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 1366 मीटर लंबा है। मतलब अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जो कि काफी लंबा होता है। दोस्तों हमारे भारतीय रेलवे की ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।